गाइस, तो आज मैं बताने वाली हूँ कि मेरी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि मैं ससुराल में घूंघट करके रहती हूँ। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिए। हाय फ्रेंड, आप सभी का वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल कोलकाता ब्लॉगर रेनू के चैनल में, और मैं हूँ रेनू। तो कहो कैसे हो आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। यहाँ पर मैं वीडियो आज शेयर करने वाली हूँ, वैसे तो थंबनेल और टाइटल से आप लोग को पता चल ही गया होगा, तो चलिए वीडियो को पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा कि मैं कौन सी वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। आप लोग के कमेंट आते हैं तो पढ़ के बहुत खुशी होता है, तो प्लीज़ कमेंट भी करिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं आप लोग के साथ आज वीडियो शेयर कर रही हूँ घूंघट में कैसे किचन में खाना बनाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ, पूड़ी बनाऊँगी और सब्जी भी बनाऊँगी। तो चलिए वीडियो को देखिए। उससे पहले जो मेरे चैनल में न्यू है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो तो आप लोग देखते हैं, प्यार देते हैं, लेकिन सब्सक्राइब भी कर लिया करिए और जो घंटी है उसको भी बजा दीजिए, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो देखिए, यहाँ पर मैं साड़ी पहनी हूँ, पर्पल कलर की साड़ी है और बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, हमको बहुत पसंद है। तो देखिए, यहाँ पर मैं पहनी हूँ और घूंघट निकालने पर सच में ऐसा फीलिंग आता है कि जैसे मैं एकदम ससुराल में ही हूँ। वैसे मेरे ससुराल में घूंघट करते थे पहले बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी तो कम हो गया है। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक कढ़ाई रख ली हूँ पूरी निकालने के लिए, और ट्राइपॉड टूट गया है तो इसलिए मैं किसी जुगाड़ से मोबाइल को रखती हूँ, जिससे वीडियो शूट हो जाए। तो थोड़ी सी कमी तो रहेगी क्योंकि ट्राइपॉड पर लगाने से अच्छे से वीडियो आता है, लेकिन जुगाड़ू वीडियो बना रही हूँ तो प्लीज़ आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिएगा, जिससे मैं ट्राइपॉड भी ख़रीद सकूँ। क्योंकि जब तक कुछ सैलरी नहीं आती है तो घर वाले उससे बोल भी नहीं सकते हैं कि कुछ लाओ, वीडियो बनाना है, ट्राइपॉड चाहे माइक, बहुत दिक्कत होता है सच में। तो इतना मेहनत करने के बाद अगर कुछ नहीं मिलता है तो दुख तो होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिए और ऐड भी देखिए, जिससे मेरी भी सैलरी आ जाए। मैं काफ़ी दिन से मेहनत कर रही हूँ, बहुत बार तो मेरा हिम्मत भी टूट जाता है कि अब वीडियो नहीं बनाऊँ और मन नहीं लगता। अगर कर्म करो और कुछ फल ना मिले, तो हम लोग आए थे कि कुछ फ़ायदा होगा, बहुत लोग का देखती थी कि YouTube से बहुत अर्निंग होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो सही आप लोग प्यार दीजिए, जिससे हम भी YouTube पे काम कर सकें आगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिए और शेयर करिए प्लीज़। तो देखिए, यहाँ पर मैं पूरी बना रही हूँ और ये कढ़ाई छोटी सी है, लोहा की कढ़ाई है ना, बहुत अच्छी है। और मैं जब से इसको लाई हूँ तब से और कढ़ाई में नहीं बनाती हूँ, हमको यही अच्छा लगता है। तो देखिए, छोटी सी कढ़ाई है लेकिन अच्छा है। तो देखिए, मैं घूंघट में कैसे काम कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए, पूरी मैं तल करके निकाल ले रही हूँ और बच्चे देखते हैं तो हंसते हैं, बोलते हैं मम्मी क्या कर रही है घूंघट में। लेकिन आप लोग के रिक्वेस्ट वीडियो बनाती हूँ। वैसे मैं ससुराल जाऊँगी तो वहाँ का बहुत सारा वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो देखती हूँ कब जाना होगा गांव, और गांव का कल्चर देख के अच्छा लगता है। अभी तो यहाँ पे हूँ, लेकिन सोचती हूँ गाँव जाऊँगी तो वहाँ का वीडियो भी शेयर करूँगी आप लोग के साथ में। देखिए, बस आप लोगों से बातें करते करते काम भी हो जा रहा है। और यहाँ पर पूरी मैं तल तल के निकाल ले रही हूँ, और किचन छोटा सा है ना, तो इसमें सारा सामान भी रखना होता है तो ठीक से नहीं हो पाता, क्योंकि ये किराए का घर है तो किचन में उतना कोई बॉक्स वॉक्स नहीं है जैसे सामान रख सकते हैं। तो बर्तन का स्टैंड जो है वो भी नहीं लगा सके, क्योंकि ऐसे
किराए के घर में ज़्यादा ब्रेक व्रेक नहीं मारने देते हैं, किला नहीं लगाने देते हैं। दिक्कत तो होती है लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तो देखिए आप लोग के साथ में बातें करते करते काम भी मेरा जल्दी से हो जा रहा है, और बच्चों को तो पूरी काफ़ी पसंद होता है। और मेरे छोटे वाले बेटे को ना, जब कोई पूछो क्या बनाओ तो बोला पूरी सब्ज़ी बना दो, तो बस उसी के लिए आज पूरी सब्ज़ी बन रहा है। वैसे तो मैं अक्सर 3 दिन में 4 दिन में वैसे मैं बना देती हूँ पूरी, क्योंकि उसको पसंद आता है तो नाश्ते में हो जाता है पूरी। तो ये जो वीडियो है ये मॉर्निंग का ही है, मॉर्निंग में मैं शूट कर रही थी। तो नाश्ता तैयार है, अब मैं उन लोग को बुला करके नाश्ते दे दूँगी। और देखिए यहाँ पर पूरी तल गया है, तो चलिए अब मैं खाना निकाल लेती हूँ, सॉरी नाश्ता निकाल लेती हूँ। गैस को ऑफ कर दी हूँ और इधर में मैं प्लेट निकाल रही हूँ नाश्ता निकालने के लिए। और देखिए मैं कुछ सामान लाने गई थी शायद उधर, फिर मैं आई यहाँ किचन में और मैं नाश्ता निकालने लगी हूँ। तो नाश्ते में क्या क्या है चलिए आगे देखिए वीडियो में, और आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगता है, आगे जल्दी जल्दी वीडियो लाने का कोशिश करूँगी। अभी तो मैं नहीं कर पा रही हूँ वीडियो शूट, थोड़ा सा मन भी नहीं लगता है ना, लेकिन आप लोग प्यार देंगे और ज़्यादा थोड़ा सा प्यार दीजिए वीडियो को, तो मैं रोज़ ब्लॉग शेयर करूँगी। और आप लोग का जो रिक्वेस्ट है ऐसे फेस कवर, घूंघट वीडियो, हेयर ऑयलिंग, ऐसे वीडियो में अपलोड ज़रूर करूँगी। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए। तो देखिए यहाँ पर प्लेट मैं निकाल रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता, और यहाँ पर मैं हाथ भी पोछ ले रही हूँ टॉवल में। और किचन में सब सामान अच्छे से रखा रहता है ना तो ठीक रहता है, जो जहाँ मतलब ज़रूरत सामान हो वहाँ से निकाल लो, लेकिन ये किचन में अपना जो रहता है ना उसमें बना करके रखो बॉक्स और बर्तन रखने का स्टैंड अच्छे से तो बढ़िया रहता है। लेकिन यहाँ पर जितना है उतना मैं सही से रखने की कोशिश करती हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती इसलिए मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं की हूँ, 9 या 10 मिनट की वीडियो होगी, तो 10 मिनट के कम में ही बनाने का कोशिश करूँगी। और अगला वीडियो आएगा तो उसका इंतज़ार करिएगा, और जल्द ही लेकर आऊँगी। और यहाँ पर है रसगुल्ला, पूरी और आम की चटनी, तो आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। और पनीर की सब्ज़ी थी रात का, और चना का दाल बनाई थी सुबह में, पनीर की सब्ज़ी बनाई थी रात में तो बचा हुआ था, तो मैं उन लोग को दे रही हूँ वही। और यहाँ पर रसगुल्ला है, वैसे कोलकाता में मिठाई ज़्यादा लोग खाते हैं। तो देखिए नाश्ता कैसा लगा, और अब मैं घूंघट को ऊपर करती हूँ। तो देखिए गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि घूंघट जब करते हैं तो गर्मी ज़्यादा लगता है। और बस आज का वीडियो यही रहा, और मैं यहाँ पर रख के बात करती हूँ, ट्राइपॉड नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत है। और मैं साड़ी में कैसी लगती हूँ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए लेना करते हुए नाश्ते को दे आती हूँ, बुला रही हूँ लेकिन लड़का पढ़ाई कर रहा है तो उसको वहीं पर ले जा कर देना पड़ेगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, नमस्कार, अपना ध्यान रख